नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बता दें कि जल्द पिथौरागढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। नारायण और मायावती आश्रम में प्रधानमंत्री जा सकते हैं। चीन सीमा से सटे गांवों को विकसित करने का प्लान भी चल रहा है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं, जहां वो पिथौरागढ़ पहुंच सकते हैं, और साथ ही नारायण और मायावती आश्रम जो है वहां प्रधानमंत्री जा सकते हैं। चीन सीमा से सटे गांवों को विकसित करने का प्लान प्रधानमंत्री का चल रहा है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जल्द पिथौरागढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे देवभूमि में, और एक बार फिर वो देवभूमि का रुख करेंगे। अभी हाल ही में देवभूमि वो पहुंचे थे, उसके बाद चीन सीमा से सटे गांवों को विकसित करने का लगातार प्लान चल रहा है। अभी उन्होंने माड़ा गांव को लेकर भी, जो उत्तराखंड का आखिरी गांव है, उसको कहा था कि उत्तराखंड का आखिरी गांव नहीं बल्कि पहला गांव माड़ा बनेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार देवभूमि में एक्टिव नजर आते हैं, और इस बात अगर अब देखने की कोशिश की जाए तो वो लगातार उत्तराखंड के दौरे पर हैं, और अब वो पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे, नारायण और मायावती आश्रम में भी पहुंचेंगे। आपको ये भी बता दें, चीन सीमा से सटे गांवों को विकसित करने का प्लान भी वो बना रहे हैं। देहरादून से खबर है, जहां आज से उच्च शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। सीएम धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इसमें शामिल होंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति और महाविद्यालयों के प्राचार्य भी शामिल होंगे। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की समीक्षा भी की जाएगी। तो आपको बता दें, सीएम धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इसमें शामिल होंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति और महाविद्यालयों के प्राचार्य भी इसमें शामिल होंगे। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समीक्षा की जाएगी। बड़ी खबर, सभी विद्यालयों की आज से उच्च शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय चिंतन शिविर जो है आयोजित किया जा रहा है। दो दिवसीय उच्च शिक्षा का जो चिंतन शिविर है वो आयोजित किया जा रहा है। अशोक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, आपसे जानना चाहूंगा, उत्तराखंड में लगातार चिंतन शिविर चल रहे हैं, एक तरफ जहां कभी सरकार का होता है तो अब उच्च शिक्षा विभाग का किया जा रहा है, किस तरह से, इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाएंगे? देखिए विकास, आपको बताऊं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, अगर यहाँ पर ये या फिर यूं कहें, आज उच्च शिक्षा विभाग का एक जो चिंतन शिविर 2 दिवसीय जो होने जा रहा है, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जो विश्वविद्यालयों के जो डीन होंगे वो भी इसमें मौजूद रहेंगे और महाविद्यालयों के प्राचार्य इसमें मौजूद रहेंगे। और आप देखिए विकास, चिंतन शिविर से ही पता चलता है कि इस उच्च शिक्षा को लेकर के इस पूरे जो चिंतन शिविर है उसमें चिंता की जाएगी उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के कि विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में किस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर करने की जो ज़रूरत है, उच्च शिक्षा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सके, और जो विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको किस तरह से बेहतर सुविधाएँ मिल सके। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह देखी जाएगी, जिसके चिंतन शिविर है क्योंकि उन विषयों पर भी चिंता की जाएगी। कहीं ना कहीं जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं विश्वविद्यालयों में अभी, जो कहीं या फिर महाविद्यालयों में जो खामियां कहीं ना कहीं है उसको किस तरह से दूर किया जा सके, उसको लेकर के ज़रूर चिंता व्यक्त की जाएगी। और आज इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी रहेंगे, विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं और महाविद्यालय के प्राचार्य इसमें मौजूद रहेंगे, और इसी के साथ साथ जो तमाम जो फैकल्टीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जरूर दिए जाएंगे। देखना यहाँ पर यह भी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिए विकास, इस चिंतन शिविर के दौरान जिन विषयों को लेकर के चिंता व्यक्त की जाएगी उस विषय पर किस तरह से जो है आने वाले समय पर काम किया जाएगा, उस विषय को लेकर के किस तरह से बेहतर कार्य किया जाएगा, ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए हाल ही में एक सरकार का जो है मसूरी में 3 दिवसीय चिंतन शिविर हुआ था, और उस चिंतन शिविर में देखा यह गया था कि हर एक क्षेत्र को लेकर के चिंता की गई थी और जो कमजोर कड़ियां पाई गई थी उसको लेकर के पूरा एक रोड मैप भी तैयार किया गया था। अब देखना यहाँ पर यह भी है कि अब उच्च शिक्षा विभाग को लेकर के जिस तरह से 2 दिवसीय जो चिंतन शिविर रहेगा उस चिंतन शिविर में कौन कौन सी ऐसी कमजोर कड़ियां सामने आती है और उसको लेकर के किस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, खुद उच्च शिक्षा मंत्री जो है धन सिंह रावत किस तरह से उन चीजों को मजबूत करने के लिए एक ठोस रणनीति उनके द्वारा बनाई जाएगी, ये देखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा।
अशोक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो लगातार प्रदेश में गतिविधियां तेज हैं, जहां एक तरफ बच्चों के ऐसे स्कूल जिनमें संख्या कम है उनको बंद किया जा रहा है, छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं, तो लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की तरफ मुख्यमंत्री जो है वो ध्यान दे रहे हैं, और लिहाजा अभी उच्च शिक्षा की तरफ ये जो कदम बढ़ाया जा रहा है, चिंतन शिविर में जो चिंतन होगा, क्या कुछ इससे सुधार जो है उच्च शिक्षा में देखने को मिलेगा? देखिए विकास, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आपने वो सवाल किया है कि जो जिन स्कूलों में छात्र कम होंगे उन स्कूलों को बंद किया जाएगा, वो शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से बात कही है कि जिसमें कि 5 या 10 से कम छात्रों की संख्या होगी उन स्कूलों को बंद किया जाएगा, लेकिन साफ तौर पर ये एक बात भी कही गई है, खुद शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने साफ तौर पर यह भी बात कही है, अगर उन स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ती है तो उन स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन जो स्कूल ऐसे सामने अभी तक पाए गए हैं उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है विकास कि अगर उनमें छात्रों की संख्या बढ़ जाती है तो उनको बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके अगर छात्रों की संख्या नहीं बढ़ती है तो उन छात्रों को उस स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा जहां पर छात्रों की संख्या सही है, यानी कि ठीक ठाक संख्या है वहां पर के, और इसमें अलग अलग चरणों में काम होगा। पहले चरण में 1000 ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद उसमें उस पर आगे काम किया जाएगा। लेकिन अगर हम उच्च शिक्षा विभाग के आज चिंतन शिविर की बात करें तो उस चिंतन शिविर के दौरान यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इस चिंतन शिविर की शुरुआत किस तरह से की जाती है, कौन से मुद्दे होंगे, कौन सा ऐसा विषय रहेगा उसको लेकर के विभाग द्वारा बात की जाएगी और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ठीक उसके बाद देखना यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुल मिलाकर के कितनी ऐसी कमजोर कड़ियां सामने आएंगी, क्योंकि हमने लगातार हालांकि देखा है कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें भी की है, उनको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कार्य करने के दिशा निर्देश उनके द्वारा लगातार दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना उसमें बेहतर कार्य हो सका है, कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी भी समीक्षा की जाएगी और उसमें और किस ज्यादा उस विषय को लेकर के और किस तरह से बेहतर कार्य किया जा सके, प्रदेश में उच्च शिक्षा का जो ग्राफ है वो किस तरह से बढ़ाया जा सके, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सके, इन तमाम विषयों पर जो है कहा जा सकता है कि चर्चा जरूर होगी चिंतन शिविर। बिल्कुल अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए, और महत्वपूर्ण देखना यही है क्योंकि उच्च शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम चिंतन शिविर वहां आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से ही खबर है जहां UK SSSC पेपर लीक मामले में अहम एक जुड़ी इस पूरे मामले से खबर बता रहे हैं, जहां पेपर लीक मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है, जहां एक गिरफ्तारी और की गई है। सहारनपुर का प्रसार अधिकारी मनोज कुमार चौहान को गिरफ्तार किया गया है, STF ने मनोज चौहान की गिरफ्तारी कर ली है, मामले में 43वीं गिरफ्तारी जो है हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं लगातार UK SSSC जो पेपर लीक मामला है उसमें गिरफ्तारियों का दौर जारी है और पुलिस एक के बाद एक गिरफ्तार करते जा रही है, 43वीं गिरफ्तारी हुई है, और आपको बता दें कि एक और गिरफ्तारी की है UK SSSC पेपर लीक मामले में, 43वीं गिरफ्तारी कर ली गई है, और इसमें आपको बता दें कि जो सहारनपुर अधिकारी है मनोज कुमार चौहान को गिरफ्तार किया गया है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अशोक लगातार बने हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस जो है UK SSSC पेपर लीक जो मामला है उसमें एक्टिव बनी हुई है और लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, 43वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल देखिए विकास, UK SSSC परीक्षा का जो भर्ती लीक जो मामला है सामने आया था उसमें देखा गया था कि करीब 42 लोगों की इससे पहले जो है गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद देखा यह भी गया कि एक के बाद जो अभियुक्त जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया उनकी लगातार जो है रिहाई की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन उस बीच अब एक और गिरफ्तारी हुई है। STF को एक बड़ी सफलता मैं कहूंगा यहाँ पर हाथ लगी है, जो कि ये 43वीं गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम है मनोज कुमार चौहान। आपको बताऊं यहाँ पर कि विकास, मनोज कुमार चौहान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर तैनात था। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मनोज कुमार चौहान का इस पूरे प्रकरण में क्या रोल था। मनोज कुमार चौहान जो कि पूर्व में STF द्वारा एक कुलदीप अभियुक्त को गिरफ्तार केंद्रपाल को गिरफ्तार किया गया था, और केंद्रपाल जो मनोज कुमार चौहान था और जो अभ्यर्थी थे 8 से 10 अभ्यर्थी जिनसे पूछताछ STF द्वारा की गई थी, जिन्होंने इस परीक्षा में नकल की थी, उन अभ्यर्थियों द्वारा यह पता चला था कि मनोज कुमार चौहान
केंद्रपाल के जो चीटिंग सेंटर है और केंद्रपाल के साथ साथ एक और था ललित राज शर्मा, उनके चीटिंग सेंटर पर इन छात्रों को लेकर के जाता था और इनको नकल कराता था। उसके बाद यही वह छात्र जो पूरी पेमेंट है मनोज कुमार चौहान को देते थे, तो ये पूरा एक रोल रहता था जिसके चलते जो है जब केंद्रपाल से एसटीएफ ने पूछताछ की और उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की तो पता चला कि मनोज कुमार चौहान का भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल है। उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को चीटिंग सेंटर के सेंटर पे ले जाकर उनसे उनको वहां पर नकल कराता था। एसटीएफ के पास मैं यहां पर कहूंगा कि इस समय एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो यहां पर यह भी है कि जो अभ्यर्थी है उनसे पूछताछ की जा रही है और उन्हीं के पूछताछ के आधार पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कड़ियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो इससे पहले 42 गिरफ्तारी हुई, लेकिन 42 गिरफ्तारी के बाद एक के बाद एक करते करके करीब 20 अभी ऐसे थे जो कि बिल्कुल और ऐसी गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी और 43 भी जो गिरफ्तारी वो हो गई है। फिलहाल अशोक आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून की बिगड़ती कानून व्यवस्था से खफा डीजीपी अशोक कुमार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर दून पुलिस के अधिकारियों की अलग से क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो रहा है, इस खौफ को बनाए रखने के लिए सख्ती से कदम उठाएं और अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचे, इतना डर उसके अंदर पुलिस का होना चाहिए। बाहर से बदमाश राजधानी में शरण लेने ना पाएं और अगर आ भी जाएं तो बच के वापस ना जा पाएं। जब डीजीपी ने लगाई अधिकारियों की क्लास, अपराधियों में कम हो रहा दून पुलिस का खौफ, बोले अपराधियों में डर आम जन में हो भरोसा, अब पटरी पर आएगी सूबे की कानून व्यवस्था, अब अपराधी डर से सरेंडर करेंगे, अब अपराधियों में पुलिस का खौफ होगा। चूंकि अब तक सवाल उठ रहा था कि उत्तराखंड में खौफ किससे खाएं, अपराधियों से या उत्तराखंड पुलिस से, तो जवाब जानने से पहले सूबे के डीजीपी अशोक कुमार का दावा जान लीजिए, अब अपराधियों की खैर नहीं है, अब अपराधियों में खाकी का खौफ होगा, अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा, सूबे में कानून व्यवस्था का बोलबाला होगा और बेलगाम अपराध पर नकेल कसी जाएगी। यानी कुल मिलाकर सूबे में बेपटरी हुई कानून व्यवस्था अब पटरी पर होगी। कुल मिलाकर के हमने देहरादून पुलिस को ये बोला है कि अपराधियों में पुलिस का डर होना चाहिए जिससे कि वो अपराध करने की हिम्मत ना करे, और अगर बाहर का अपराधी इतना डर हो कि बाहर का अपराधी यहाँ आए ना, और आ जाए तो फिर वो पुलिस के शिकंजे से बच ना पाए, ये हमने मेन डायरेक्शन दिया है। और बाकी तो नॉर्मली हमने ड्रग्स और ट्रैफिक वगैरह की बात की है, हमने कहा है वांछित और इनामी अपराधियों का जो 2 महीने का अभियान है दिसंबर जनवरी उस पर उन पर शिकंजा कसें, और जो बड़े अपराधी हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया उन सबकी संपत्तियाँ जब्त कराएं जी। बकौल डीजीपी अपराधियों में पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचें, अपराधी अपराध करने से पहले थर थर कांपें, वो कानूनी इकबाल के बारे में 100 बार सोचें। दरअसल उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों में हुई घटनाओं को देखकर लगा कि क्या वाकई अपराधियों के मन से खाकी का खौफ खत्म हो गया है। ऐसे में सूबे के डीजीपी ने वो किया जो किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को करना चाहिए, दून पुलिस को उसका बल याद दिलाने के लिए, उसे जगाने के लिए खुद डीजीपी अशोक कुमार को आना पड़ा है। 6 बिंदुओं पर पुलिस को गंभीरता से करना होगा काम, जिले के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा फील्ड में होगा रहना, आपराधिक मानसिकता और स्ट्रीट क्राइम पर लगेगी लगाम, कानून व्यवस्था होगी मजबूत, सीमाओं पर बरती जाएगी चौकसी, अपराधियों पर हो आर्थिक छूट, संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट वाले अपराधियों का ब्यौरा इकट्ठा करने के निर्देश, अनैतिक कार्यों से बनाई संपत्ति हर हाल में जब्त होगी, ड्रग माफियाओं की संपत्ति को भी जब्त करने की हो रही कार्रवाई, इन तमाम निर्देशों आदेशों के बाद अपराधियों पर नकेल कसने का खाका खिंच गया है, लेकिन इस पर सियासत भी जोर मार रही है। देखिए डीजीपी साहब ने कहा है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए, एक बात तो स्पष्ट है कि पिछले 6 वर्ष में उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, मंत्री के रिश्तेदारों के घर में डकैती पड़ जाती है, विधायकों को मंत्रियों को जान से मारने की धमकी मिलती है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बैठी है। कहीं ना कहीं पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है और इस राजनीतिक हस्तक्षेप के बढ़ने से अपराध भी बढ़े हैं। डीजीपी साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने
कठोर कार्रवाई करने की सोची है। पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है तो अपराध बढ़ेंगे। सियासत अपनी जगह है और कानून व्यवस्था अपनी जगह। बहरहाल कैसे अपराधियों के मन में बैठे पुलिस का खौफ और इस खौफ को बनाए रखने के लिए क्या अहले कदम हो, डीजीपी की तरफ से इसके बारे में भी दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सूबे की पुलिस का मित्रता सेवा सुरक्षा का नारा सार्थक होगा और ये सख्ती धरातल पर अक्षरशः लागू होगी कि कोई भी शख्स अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। बारीक क्षेत्र के बदमाश यहाँ शरण ना ले पाए और यहाँ भी आ गए तो बचने ना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई है। बैठक में राज्य आपदा मोचन नीति और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। वहीं 208.12 करोड़ की लागत से भलिया नाला ट्रीटमेंट कार्य को भी सहमति मिली है। साथ ही मुख्य शासन के निर्देश पर प्रदेश में पुलों की सेफ्टी ऑडिट की गई है, जिसमें 5 जोन में 3,262 पुलों में से 2,518 पुलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट शासन को मिल चुकी है, जिसमें से 36 पुल आवागमन के लिए सुरक्षित मिले हैं। सेफ्टी ऑडिट में आवागमन के लिए सुरक्षित मिले 36 पुलों को बेहद जर्जर हो चुके पुलों की स्थायी तौर पर उनको बंद कर दिया जाएगा। खबर विकास नगर से है, जहां सैलाकुई स्थित माया कॉलेज में मंगलवार को 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन उत्तराखंड के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर भी पहुंचे। 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले में कई स्थानों से आए हुए लोगों ने स्टॉल लगाए। इसी बीच अगर बात की जाए कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों, आत्मनिर्भरता की झलक भी यहाँ देखने को मिली है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भारत उत्पाद के क्षेत्र में विश्व में नंबर 2 है और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2030 तक हम विश्व के नंबर 1 उत्पादक होंगे। इसके लिए जैविक खेती पर हम काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पर हम काम कर रहे हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और उत्पादों को बढ़ाया जा रहा है। हमारी प्रदेश की सरकार ने भी संकल्प लिया है कि जो हमारा राज्य